नमस्कार, समाचार प्लस के खास कार्यक्रम चुनावी घुमक्कड़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अविनाश सिंह और अभी हम पहुंचे हैं सुल्तानपुर के इसौली विधानसभा क्षेत्र में। ये इसौली का इस्लामगंज एक छोटा सा बाजार है। अगर बात करें सुल्तानपुर की, तो सुल्तानपुर में पिछले चुनाव में जो सुल्तानपुर की पांचों सीटें हैं, पांचों सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की थी। अगर इसौली विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहां से समाजवादी पार्टी के अबरार अहमद चुनाव जीते थे। लेकिन सवाल वही है कि जो विकास की बात कही जाती है, तस्वीर बदलने की बात कही जाती है, क्या पिछले 5 सालों में इसौली विधानसभा क्षेत्र की तस्वीर बदली है या नहीं बदली है, कितना काम हुआ है, विकास का कितना काम हुआ है, और जिन मुद्दों की बात कही गई थी, जो वादे किए गए थे इसौली की जनता से, वो वादे कितने पूरे किए गए हैं। लोगों से बात करते हैं, इसौली विधानसभा क्षेत्र के तमाम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये बताइए, पिछले चुनाव में तमाम वादे किए गए होंगे, विकास की बात कही होगी कि हम विकास करेंगे, क्षेत्र का विकास करेंगे, कितना काम हुआ यहाँ पर? तकरीबन मेरे ख्याल से 95% विधायक यहाँ के तकरीबन उन्होंने काम कुल मिला के उनका मिला जुला बहुत अच्छा ही रहा। अगर हम मूलभूत सुविधाओं की बात करें, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, उसका क्या हिसाब किताब है यहाँ पर? ठीक है, मेरे ख्याल से ज्यादा ही बेहतर है। मतलब इनका 5 साल का कार्यकाल, बाकी बनस्पत और इसके पहले जो विधायक थे, इनका कार्यकाल बहुत ही बढ़िया रहा। अच्छा, कुछ और लोग हैं उनसे बातचीत, आप बताइए क्या नाम है आपका? मोहम्मद शोएब खान। शोएब जी, लोग बता रहे हैं कि इस विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम मतदाताओं की जो तादाद है अच्छी खासी है। अगर विकास की बात करें तो पिछले 5 सालों में आपके हिसाब से क्षेत्र का कितना विकास हुआ है? कुछ विकास नहीं हुआ, ज्यादा 30% विकास हुआ है। वो भी जो हुआ है, दलाल लोग काम किए, कोई विकास नहीं। रोड सब बह गई है, आप देख लीजिए, रोड देखिए, आप जाके आवास के लिए रोड गया, जाके देख लीजिए। 3 किलोमीटर तक अगर आप जो है आधे घंटे के पहले नहीं पहुंच पाएंगे, आप समझ लीजिए। गाली मिली है, गाली मिली है। और आप इतने भ्रष्ट विधायक है कि 5,80,000 मैं व्यापारी हूँ, मेरा बकाया है, दिला दीजिए आप लोग। अगर यही ईमानदारी की बात करते हैं, आप विकास की बात करते हैं, मैं एक व्यापारी हूँ। यहाँ इसौली विधानसभा क्षेत्र के लोगों को बिजली मिलती है? हाँ, फिलहाल मिल रही है, अभी 1-2 महीने से। जब से चुनाव का माहौल बना है तब से पहले कितने घंटे बिजली मिलती थी? पहले 8-9 घंटा बिजली मिलती थी, अब 2 महीने से बिजली मिल रही है। अब 2 महीने से बिजली आ रही है, पिछले 8-9 घंटा रमजान में कहीं बिजली नहीं आती थी। पिछले 5 सालों में जो वादे किए थे यहाँ के विधायक ने कि अगर हमारी सरकार बनती है या फिर मुझे आप जिताते हैं तो वो सारे वादे पूरे किए जाएंगे, कितना वादा पूरा हुआ ये बताइए? 30% विकास हुआ है, और ज्यादा विकास चाटुखोरों का हुआ है। जो 125 की सदरी पहन के घूमते थे, आज मल्टी कार्लों के 4,000 के सदरी पहन के घूम रहे हैं। सिर्फ चाटुखोरों को विकास हुआ है और 30% विकास हुआ है। तो इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे आप, जो विकास हुआ यहाँ पर? 30% माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के देंगे। पिछले 5 सालों में आपको क्या लगता है कि किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा काम हुआ इसौली में पिछले 5 सालों में? कहीं कुछ नहीं हुआ। जो सरकारी अस्पताल है यहाँ पर, उसमें ठीक से इलाज होता है आप लोगों का? ये कुछ भी इलाज नहीं होता जी। हम खुश हैं, सरकार के काम से थोड़ा खुश हैं, और यहाँ के विधायक के काम से एकदम बिल्कुल नहीं खुश है। विधायक पार्टी ने काम किया है, अच्छा काम नहीं किया, सिर्फ दलालों के जरिए काम किया। आप खुद चेक कर सकते हैं सारा रोड विधानसभा का, जितना भी रोड है खुद चेक करके जाके पूरा क्षेत्र का आप दौरा करके चेक कर सकते हैं। जी बोलिए बोलिए, कुछ बोलिए। हमारे लड़की को ब्लड कैंसर है, उसके बारे में फोन किया कि कुछ हमको पैसा दिलाए, ब्लड कैंसर है हमारे लड़की 3 साल की है, उसके बारे में कोई सुनवाई नहीं हुई। हाँ, ना हमारे पास, हम दूसरे घर में रहते हैं, कानूनी नहीं है, घर नहीं है, जमीन नहीं है, कुछ नहीं मेरे पास। हाँ, कुछ नहीं। आपको सबसे बड़ी समस्या क्या लगती है इसौली विधानसभा क्षेत्र? सबसे बड़ी समस्या बिजली की है। ये तो इलेक्शन की बिजली मिल रही है, चुनावी बिजली है 18 घंटे 16 घंटे। इसके पहले तक 4 घंटे 5 घंटे नहीं मिली। जितना ट्रांसमिशन तार का जितना सिस्टम है पूरा खराब है, कुछ भी नहीं हुआ। इन समस्याओं को लेकर कभी आप लोग अपने विधायक के पास गए? समस्या बहुत बार गए, हर बार ट्रांसफार्मर खराब हो जाने पे 15-20 दिन तक नहीं बदला जाता, अपने पैसे से 10-15 हजार चंदा करके बदला जाता है। विधायक से कई बार कहा गया, कुछ नहीं सुना। मतलब बिजली की व्यवस्था पिछले 1-2 महीने में सही हुई है ये तो चुनाव? हाँ, सड़क का क्या हाल है यहाँ पर? बहुत खराब है, बहुत बुरी है, बहुत बुरी है, यहाँ की बहुत खराब है, कोई सड़क नहीं बना। 5 सालों में नई सड़कें बनी यहाँ पर? नहीं, वही रिपेयर हुआ है, वो भी जो होती है गिट्टी उड़ जाती है। एक मिनट, जो भी होता है गिट्टी उड़ जाती है,
दो महीने चार महीने छह महीने चलती है, इसके बाद गिट्टी उड़ जाती है, फिर गड्ढा हो जाता है, गड्ढों में तब्दील हो जाती है सड़क। कमीशन खोरी यहाँ चल रही है, एकदम से कुछ काम नहीं हो रहा। नलका भी अगर दिया गया है, ठीक है ठीक है ठीक है। मैं शिक्षा की बात कर लेता हूँ कि पांच सालों में क्या कोई नया स्कूल कॉलेज खोला गया है? खोला गया, बोलिए बोलिए। कोई कॉलेज निकला, एक कॉलेज खोला, उसमें कोई बच्चे पढ़ते नहीं है। अच्छा ये बताइए कि कानून व्यवस्था को लेकर तमाम सवाल विरोधियों ने खड़े किए इस सरकार के ऊपर, और खासकर जो ये रीजन है, अगर हम पूर्वांचल की बात करें या फिर लखनऊ सुल्तानपुर की बात करें, अगर अपराध की बात करें, कानून व्यवस्था की क्या हालत है यहाँ? समाजवादी फलाह, कानून व्यवस्था एकदम कानून खत्म है यहाँ। पूरे प्रदेश की व्यवस्था कानून खराब है, कहाँ से बताएंगे इसौली की? पूरे प्रदेश की व्यवस्था खराब है। यहाँ की पुलिस क्या करती है इसौली की? फिर वही चीज है, सो रही है सर, जनता परेशान है, पुलिस सो रही है, सो रही है। 100 नंबर दे दिए वो अपना, 100 नंबर क्या, 100 नंबर को वसूली हो रही है ना पूरे उत्तर प्रदेश में। इनसे बड़ा बदतमीज विधायक नहीं है, कोई नहीं है। हम इसे मेहनत मंजूरी करते, थोड़ा मेरा केस पड़ गया इस लड़के के बारे में। मैं गया था उनके, क्या कर, मैं तुमको पहचानता नहीं हूँ, मैं तुमको सीधा भगा दे, फिर सफदर लगे लगा गया, तो वह जाए हमारा काम कराए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। जाहिर तौर पर अगर हम इसौली विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, सबकी आपने बातें सुनी। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ के जो विधायक हैं अबरार अहमद, जिन्होंने समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीत दर्ज की थी, उन्होंने इस इलाके के लिए काम किया है। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो उनकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। उनका ये कहना है कि पिछले 5 सालों में जो तस्वीर बदलनी चाहिए थी वो तस्वीर नहीं बदली है, जो वादे किए गए थे वो सभी वादे पूरे नहीं किए गए। तो चुनावी घुमक्कड़ में इसौली विधानसभा क्षेत्र से बस इतना ही।